तो बच्चों एक फोर्थ क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है। एक गिवन फिगर ऑफ ए रेक्टेंगल टिन फॉइल ऑफ साइज इतना सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर इज रैप अराउंड द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। काफ़ी इजी है बच्चों, सिंपल है। ये है देखो, ये है 22 सेंटीमीटर का ये डायग्राम, और ये है देखो ये जो हाइट है ये, या फिर इसको बोलते हैं ब्रेथ, ये कितनी है 16 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब इसको मैंने अगर गोला कर दिया, एक सिलेंडर में फॉइल कर दिया, ध्यान से देखो, अब मैं इसको ऐसे कर दिया सिलेंडर में, तो देखो ये 22 सेंटीमीटर क्या बन गया, इसकी सर्कमफेरेंस नहीं बन गई, तो सर्कमफेरेंस इक्वल टू 22 सेंटीमीटर लिख दूंगा मैं। तो सर्कमफेरेंस क्या होती है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर, 2 से 11 हो गया, पाई आर इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। पाई का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। इस साथ देखो 11 1 जा, 11 2 जा, तो ये मैं इधर फेंकूंगा, इसको मैं नीचे फेंकूंगा, तो आर कितना आ गया बच्चों, 7/2। तो देखो इससे मेरे पे रेडियस आ चुका है, ठीक है। हाइट मुझे गिवन है, बाकी चाहिए क्या, बस हाइट भी मुझे गिवन है, तो और बाकी है ही, इसमें बची नहीं गया कुछ, बस इसको अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये इसको जो मैंने इसको, ये देखो ये 22 था, मैंने इसको राउंड राउंड कर दिया, तो ये 22 क्या है, 22 हो गया मेरा ये सर्कमफेरेंस, इससे मेरा क्या आ गया, रेडियस आ गया। अब ये जो 16 था ये मेरी हाइट है, ये 16 है जो ये मेरी हाइट है, बस अब फॉर्मूला लगा के मैं कर लेता हूँ इसको सॉल्व, देखो करता हूँ, ठीक है। क्या निकालना है मुझे, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है बच्चों बताओ, पाई आर स्क्वायर एच, पाई है 22/7 इंटू आर, कितना है मेरे पे अभी निकाला था, 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट कितनी है बच्चों, 16, 7 से 7 कैंसिल, 11, 8, 88 इंटू 7, ये हो जाएगा बच्चों 616 सेंटीमीटर क्यूब। कितना इजी था ये, देखो इसके लिए डर रहे हो आप, बहुत ही नकली चैप्टर्स हैं सारे के सारे। नेक्स्ट करते हैं।